चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है, बात कर लेते हैं। आशा जी स्वागत है आपका, हाँ सवाल करिए। हेलो डॉक्टर साहब से बात कराइए मेरी। जी आशा जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या आपका सवाल है। हम डॉक्टर साहब, हमारे डिप्रेशन में हमने सियागोन मंगाया था ना, तो सियागोन तो हम खा रहे हैं 15 दिन से, 20 दिन से, 22 तेरह को आया था, उससे हमको थोड़ा आराम हुआ है, हैं? जी और हमको तो डिप्रेशन भी है और बीपी भी है हमको, और हमको गैस वगैरह प्रॉब्लम थी, हमारे डकार आती रहती है बहुत। ठीक है, उसके लिए क्या लिया आपने? या उसके लिए हमने अभी डिप्रेशन की दवा खा रहे हैं 20-25 साल से, हमारे डॉक्टर भी हैं और हमको ठंडे से एलर्जी है, और हमने फोन किया था तो उन्होंने हमको एकदम आपको जैतून का सिर्फ भेज रहे हैं क्या, वो जैतून का नमक, और उन्होंने परसों फोन से कहा था आपके पास पहुंच जाएगा 4-5 दिन में जैतून का नमक और 1 लीटर पानी दिन भर, और एक एम केयर बोल रहे थी कौन सा वैक्सीन भेज रहे हैं। ठीक जी, हाँ दवाएं तो वो ठीक भेज रहे हैं आपको, वो भी इस्तेमाल करें, जैसे इससे फायदा शुरू हो गया। देखिए आपको असली मिल गया तो आपको फायदा शुरू हो गया, और काफ़ी फर्क आएगा आपके डिप्रेशन में भी, जब ये दर्द चला जाएगा। ये दर्द को मैं जानता हूँ बहुत नज़दीक से, क्योंकि मैंने लाखों मरीज देखे हैं जो इतना दर्द होता है कि जवान जवान लोग भी आंसुओं से रोने लगते हैं। कोई दवा काम नहीं करती, जहाँ पर वहाँ ये गौंसिया काम करता है, बशर्ते असली मिल जाए। आपको असली मिल गया है, फ़ायदा शुरू हो गया है, और दवाइयाँ पहुँच जाएँ तो उनको इस्तेमाल करें, आप रोग मुक्त हो सकती हैं। जी सतारा से हैं राजेश जी, स्वागत है आपका। हाँ मैं राजेश जी बोल रही हूँ। हाँ जी, मैंने पहले भी कॉल किया था। हाँ हकीम साहब तो बोलो, मेरा नमस्कार जी, आदाब। मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा। हेलो जी जी, मेरी लड़की के लिए मैंने वो बोला था, उसे सीबीज नहीं बढ़ता है। क्या नहीं बढ़ता है? सीबीज जी हकीम। हेलो, नहीं आपकी बात ना समझ में नहीं आ पाई है, आपकी बेटी का क्या नहीं बढ़ पाता है? सीबीज, सीबीज वेट, उसे अंडाशय बोलते ना सीबीज, मतलब क्या उनको ताकत नहीं मिल पाती है या फिर उनका वेट? वेट नहीं, उसको उसे बच्चा नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक जी, है। क्या उम्र है? उसकी उम्र 24 है, और उसे डॉक्टर ने कहा पीसीओडी। ठीक है जी, हाँ पीसीओडी है। मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी कोई दवा लेनी शुरू की बच्ची ने? नहीं वो पुना है, लेकिन मेरा एक और सवाल है। मेरे मेरे पति को बलगम का प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए बच्ची आ जाए तो उसकी बात हमारे फीमेल डॉक्टर से कराना, हेल्पलाइन नंबर पर। काफ़ी बातें ऐसी होती हैं, ना मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना बच्ची से, हम लोग लाइव बात कर रहे हैं और हम ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ बड़ी सभ्यता और बहुत तहजीब है। तो ये आपकी बच्ची जब फीमेल डॉक्टर से हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात करेगी तो हम दोनों को इत्मीनान हो जाएगा कि असल में क्या मदद उनकी करनी है। लेकिन घबराए नहीं, फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। और इनका क्या सवाल था? बलगम, बलगम, हाँ जी, आपके हस्बैंड को बलगम। देखिए एक घरेलू नुस्खा है, आप देख लें उसे यूज़ करके, सपिस्तान, उन्नाव, अलसी, ये तीन दवाएं 100-100 ग्राम खरीदें। सपिस्तान, उन्नाव, अलसी 100-100 ग्राम, और पीपले जो आपके किचन के गर्म मसालों में हैं, पीपले
इसे पीपला मूल भी कहते हैं। तो ये 30 ग्राम इनको पाउडर बना के एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाया करें गर्म पानी के साथ, और 5 बार गर्म पानी पिलाया करें। खट्टी और ठंडी चीज़ें कुछ दिन के लिए छुड़ा दें तो आपके पति भी हस्त पुष्ट हो सकते हैं। चलिए इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जाहिदा जाना। जी सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कल मेरी बात हुई थी शाम में, तो मैंने सिर्फ अपने हाथों के बारे में, वो पैर के बारे में, झुंझुना के बारे में बताया था, जबकि मुझे चर्बी की गांठें हैं हाथों में, यूरिक एसिड बनता है, गैस की प्रॉब्लम है, कब्ज है, कोलेस्ट्रॉल मेरा 4 महीने पहले था 216, तो मैंने 3 महीने दवा ली, फिर उसके बाद मैंने चेक नहीं करा कि कितना है, और वेट मेरा हो गया था 80 kg, अब है 70 kg मैंने लूज कर लिया है जी। और मेरी ये प्रॉब्लम है। और दूसरा सवाल है मेरी बेटी का, वो 8 साल की है, वो खाना नहीं खाती, अगर जबरदस्ती करो तो उकाई आने लगती, उल्टियाँ होने लगती उसको। मेरी कल हकीम साहब से बात की थी, मोहम्मद इरशाद अली मेरे हस्बैंड थे और मैं जाहिदा बानो, और रात में बात की थी मेरी 7 मिनट के बीच में जी। बच्ची को तो जो भी खाती है अगर खाना, तो उसके खाने में अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अदरक का इस्तेमाल खूब करें, तो बड़ा फ़ायदा होगा, उसे भूख लगेगी। और एक माजून अगर बना सकते हैं तो उसको बना के दे दीजिए अपने हाथ से। देखिए 100 ग्राम लें, सौंठ तो आप जानते ही हैं, अदरक का सूखा हुआ रूप सौंठ होती है, 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम, और अलसी 100 ग्राम, और सफ़ेद गौंद मोरिंगा 100 ग्राम, इन सब का पाउडर बना दें। और पाउडर नहीं खा पाए तो ये जितना वज़न का सब कुछ हो उससे 2 गुने वज़न शहद इसमें मिला दीजिए। अगर ये 400 ग्राम है तो 800 ग्राम शहद मिला के ऐसे मिक्स करके रख दीजिए, और 4 दिन बाद इसे इस्तेमाल करना शुरू करें। तो ये शहद को पी लेता है, फिर आधा चम्मच से 1 चम्मच तक दिन में 1 बार या 2 बार इन्हें खिलाया करें, तो इनकी भूख खुल जाएगी। और जो आज़ाए रईसा जिन्हें कहते हैं मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे जिस्म के वो ख़ास ख़ास पुर्जे ठीक हो जाएंगे, जिनको ठीक होना ज़रूरी है। और इनका क्या सवाल था? इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अच्छा जी, कोलेस्ट्रॉल हाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा हुआ, लेकिन बढ़ा हुआ है, चेक कराना चाहिए था। कोलेस्ट्रॉल अगर कम करना हो किसी को, और ये चाहिए कि डायबिटीज़ भी ना बढ़े, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहे, दिल भी अच्छा रहे और पेट भी अच्छा रहे, एसिडिटी भी ना हो, कब्ज़ भी टूट जाए और लीवर भी अच्छा रहे, तो उसके लिए जैतून का सिरका आप 3-3 चम्मच 2 बार खाने के बाद, छोटे चाय के चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं, पानी में मिलाकर लिया करें, आपको फायदा होना मुमकिन है जी। महाराष्ट्र से हैं रमेश जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो रमेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, सवाल कर लीजिए। सवाल है मेरा, मेरे को क्या है, स्पॉन्डिलाइटिस का तकलीफ है और चक्कर आते हैं। आपकी उम्र क्या है? 52। मेरी उम्र 52 है। ठीक है जी। हाँ देखिए, ये सर्वाइकल है, सर्वाइकल हमारे यहाँ गर्दन में नसें दब जाती हैं, जो या तो सर दर्द करती हैं या चक्कर आते हैं। चक्कर वाला जो सर्वाइकल है ये
बड़ा ख़तरनाक है, कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ी वगैरह ना चलाया करें। और ये कभी मोंढे में भी दर्द आ जाता है, इस तरफ की नस दब जाती है मोंढे में, हाथ में जाने वाली, ये आपको बहुत सताएगा अगर आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। देखिए ये आपका है, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठिए और पीछे से कोई ऐसे आपको पकड़ के और ऐसे उठाने की कोशिश करे, ऊपर को, ये गर्दन वाला हिस्सा पकड़ के ऊपर को उठाए, बार बार ऊपर को उठाए, ठीक है। और ये फिजियोथेरेपी है, और एक ये एक्सरसाइज करें, एक ये दिन में 3-4 मिनट ज़रूर करें। ये कान इससे मिलाना है मोंढे से, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, आप कोशिश करें, जैसे ही मिलने लगेगा आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे ऐसे ये भी 3-4 मिनट किया करें, पूरी तरह एक्सरसाइज करें, एक साथ नहीं कर सकते तो एक एक मिनट करके करें। और अपने बेड पर लेट जाए बिल्कुल सीधे, और सर उधर करिए जिधर पैर करते हैं, और ऐसे लेटिए और ये गर्दन नीचे लटका लीजिए, बाकी हिस्सा आपका सीधा रहे। ऐसे लेटा करें 5-5 मिनट दिन में 5 बार, तो बगैर आपके दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं। अगर आप 10 से 15 दिन ये एक्सरसाइज लगातार करते हैं तो मेरी उम्मीद है आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं शाहजहाँपुर से, शफी मोहम्मद जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। मेरे पैरों की उंगलियां नहीं रुकती हैं, पैरों की दुखती है जी। और बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? क्या उम्र है आपकी? अस्सलाम वालेकुम हकीम जी को। वालेकुम सलाम। फोन पे बात करिए, टीवी से नहीं जी। हमारे पैरों की उंगलियां नहीं रुकती हैं जी। रुकती नहीं है या दुखती है? हाँ, खड़े होने पर रुकती नहीं है, या तो मैं गिर जाऊं। ठीक है ठीक। हाँ पहले उंगलियां रुक। देखिए जी जी बोलिए। मैं सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहते हैं जी? मैं हकीम जी का शुक्रिया अदा करना, अल्लाह ताला ने आपको इस लायक बनाया है। अच्छा जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश, करम, सलामत रहे, आदाब। देखिए अपना बहुत ख्याल रखें, और गौन सियाह के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये असली ले लें, 100 ग्राम भी मिल गया तो बहुत है आपकी बीमारी के लिए। आधा ग्राम सुबह लें, आधा ग्राम शाम नाश्ते और खाने के बाद। लेकिन 100% लोग नकली देने लगे, दवा फरोश, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। और आधा आधा ग्राम दिन में 2 बार खाएं, आपको फायदा होना मुमकिन है। जी राजस्थान से हैं नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। हाँ मैडम, मुझे हकीम साहब से बात करनी है। जी नरेंद्र जी आदाब, बताइए क्या सवाल है? हाँ नमस्कार सर। सर मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, आपसे मेरी वार्ता हो रही है, काफी टाइम से ट्राई कर रहा था मैं। जहे नसीब, बहुत शुक्रिया, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार जी। जी फोन पर बात करें। मुझे ओसीडी है सर, 20-25 साल से ओसीडी से परेशान हूँ। एसिडिटी? ओसीडी सर, ओसीडी। अच्छा तकलीफ क्या होती है आपको? एक तो मुझे बार बार हाथ धोने की परेशानी रहती है, ठीक है, बाजार से या मोहल्ले से कहीं से भी बाहर से आता हूँ, साबुन से हाथ धोने पड़ते हैं, ठीक है। और मुझे मतलब कभी कभार गैस निकलती है पेट से, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इंटरलेशन नहीं लग गई हो, तो मुझे चेक करना पड़ता है, और किसी कागज पर हस्ताक्षर करता हूँ। ठीक है ठीक, मैं समझ गया जी। हाँ देखिए ये हो जाता है आदमी को, और आज तो पूरी दुनिया हाथ धो रही है, आप ही क्या धो रहे हैं, हर वक्त हाथ ही धोते रहते हैं या सैनिटाइज करते रहते हैं, और ज़रूरी भी है हाथ धोना,
जब भी बाहर से आते हैं, और बहुत ज़्यादा तो कुछ भी हो, आपने मुझसे सवाल किया और मैं इतना बोलूं कि आप भी थक जाए मेरी मुझे सुनते सुनते, तो ये भी गलत है। मुख्तसर जवाब देना चाहिए, छोटा जवाब देना चाहिए मुझे कि आपके बाद भी किसी से बात कर सकूं। अच्छा देखिए, धनिया लीजिए 100 ग्राम धनिया का दाना, और आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और सौंफ 100 ग्राम, इन सबको 100-100 ग्राम लें, और नमक जैतून 100 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बना लें, और आधा चम्मच छोटा चाय का चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम, ये लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।